सुना है बड़ो दीदी वापस आ रही है लंदन से। मलय भी आ गया है ना वापस। 10 साल हो चुके हैं उसे देखे हुए। गिफ्ट लाया हूँ तुम्हारे लिए, ये देखो। मलय सड़क पे बेहोश हो गया है, वो गिर गया है। प्लीज प्लीज आप जल्दी चलिए। वैसे थैंक यू सही टाइम पे मुझे बचाने के लिए और इस काढ़े के लिए। तो मेरी ओपू को मलय के बारे में जानना है। वो ठीक है ना? वो बिल्कुल ठीक है, तुझसे मिलना भी चाहता है। अब इन दोनों परिवारों के बीच एक अनोखी कहानी शुरू होने जा रही है। अब आप देखिए इसके कैसे कैसे रंग देखने मिलेंगे। आप अकेली आई हैं? मैंने कहा कि आपकी बेटी क्यों नहीं आई, मैं उसका वेट कर रहा था यहाँ। तुझे एहसास भी है कि तू क्या करने जा रही है और क्यों? क्यों ये आप पूछ रही है माँ? क्यों, जबकि अब सब जानती है ना जो हुआ। बेटा जो हुआ सो हुआ, उस बात को बीते सालों हो गए, लेकिन आपू को लेकर पार्टी में जाना, समझ रही है ना बेटा कितना खतरनाक हो सकता है। और जो कल रात हुआ, शुक्र है वो लड़का बच गया, पर उसके सामने ओपू का राज नहीं खुला, नहीं तो अनर्थ हो जाता। बड़ी फिक्र हो रही है उनकी माँ। अच्छा उनकी छोड़, जो लड़की 18 साल अपने कमरे से बाहर नहीं निकली, अचानक उसे लेकर पार्टी में जाना इतने लोगों के बीच, क्या ये गलत नहीं है? अगर वो घबरा गई और फिर से अकेले तो नहीं भेज रही हूँ ना उसे, मैं भी तो उसके साथ जा रही हूँ, सब संभाल लूंगी मैं। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये ठीक नहीं लगता। इतना ठीक ना है माँ। की ठीक ना माँ, अचानक से इतने सवाल। हाँ ओपू को लेकर मुझ पर भरोसा नहीं रहा क्या अब? मामा मुझ पर भरोसा कीजिए, आप इतना पैनिक क्यों कर रही हैं? मले बात भरोसे की नहीं, तू भले ही खुद को बड़ा समझे पर अभी तुझ में लोगों को परखने की समझ नहीं और ना ही उनकी बातों की। और मैं नहीं चाहती कि आज के बाद तू कल्पना या उस परिवार के बारे में सोचे भी या फिर उनके घर के आस पास भी जाए। ये सिलसिला यही खत्म होना चाहिए। मैं लोगों से इतना चिढ़ती क्यों है? ऐसा भी क्या हुआ होगा? हमारे साथ जो हुआ वो आप भूल सकती है, मैं नहीं। कल्पना बेटा मैं जानती हूँ आपू का तू जितना ख्याल रखती है ना उतना और कोई नहीं रख सकता, लेकिन बेटा मैं ना आपू के लिए डरती हूँ। वो तो यही जानती है ना कि वो बीमार है, लेकिन तू और मैं सिर्फ हम दोनों ही जानते हैं कि उसका सच क्या है। इस वक्त मेरे लिए एक ही सच है जो हमारे साथ इतने सालों पहले हुआ था, अब उसकी कीमत वसूली जाएगी। और देखना मत मैं कपड़ों और गहनों से कैसे सजाती हूँ मेरी ओपू को, सब के सब उसे देखते रह जाएंगे। आप नहीं जानती हैं माँ ओपू मेरे लिए क्या मायने रखती है। मुझे पता है कि मैं आपके लिए क्या मायने रखता हूँ, तो आपकी तरफ से सॉरी। जो गलती करता है कान उसके पकड़े जाते हैं और सॉरी भी उसी की तरफ से होती है। मले और माँ में कोई फर्क है क्या? अब कान चाहे किसी का भी हो या सॉरी कोई भी बोले, बात तो एक ही है ना। अच्छा एक ही बात। देख मले तेरी बदमाशियां घर में अच्छी हैं, लेकिन बाहर अपना ख्याल रखा कर, एक माँ की फिक्र को समझ। माँ फिक्र करने जैसी कोई बात ही नहीं है और ना ही कभी होगी। अच्छा आपको पार्टी के लिए लेट नहीं हो रहा है क्या? पता है ना आपको कितना वक्त लगता है ये कपड़े और गहने चूज करने में? जल्दी तैयार हो जाना। कपड़े
कहने, लेकिन ये सब आएंगे कहां से? ओ मां, इतने सवाल। अब तक तो आपको समझ जाना चाहिए ना, आपकी बेटी के पास हमेशा कोई ना कोई इंतजाम जरूर होता है। मैंने वो FD तुड़वा लिया और इसी से मेरी पप्पू के गहने और कपड़े बनवाया मैंने। उस भूतनी के लिए माँ ने अपनी FD तुड़वा दी? लेकिन वो FD तो टापुर के पढ़ाई के लिए थी ना? इस वक्त टापुर की पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है मेरी पप्पू। मेरी नाम के FD तुड़वाई माँ ने? कोर्स माँ, उस भूतनी के कपड़े मेरे पढ़ाई से ज्यादा मायने रखते हैं आपके लिए। और वो भी क्यों ना, वो हमेशा से ही तो मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रही है आपके लिए। पता नहीं आपने मुझे पैदा ही क्यों किया था। तुम्हें पता है तुम मेरे लिए कितने लकी हो? जब से तुम मेरे आंगन में आए हो तब से मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। इतना अच्छा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आज मैं पहली बार यहां से, इस घर से बाहर निकलूंगी और एक पार्टी में जाऊंगी। पर मुझे तो पता ही नहीं है पार्टीज होती कैसी। पर बनी मैंने बुक्स में पढ़ा है कि पार्टीज ना बहुत ही अमेजिंग होती है। बहुत सारे लोग होते हैं, खाना पीना होता है, गाना बजाना होता है, दोस्तों के बीच हंसी मजाक। दोस्त कैसे होते हैं और लोग दोस्ती कैसे करते हैं? बनी, मुझे ना बहुत डर लग रहा है। पता नहीं बाहर के लोग कैसे होंगे, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तुम्हें क्या लगता है, मैं उन्हें अच्छी लगूंगी ना? आई होप मैं उन्हें अच्छी लगूं और मुझे भी ये बाहर की दुनिया अच्छी लगे। जो भी हो बन, मैं इस बाहर की दुनिया को देखने के लिए बहुत 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 एक्साइटेड हूं। पप्पू, सोना दरजा खोल। पप्पू, मामूनी, बनी, बनी, बनी वापस आओ। पप्पू दरजा खोल। पप्पू, आई माँ, एक मिनट। एकदम चुप, समझे ना, माँ को पता चल गया ना तू। पप्पू। हाँ 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 माँ। पप्पू, तू ठीक तो? तू क्या कर रही थी, इतनी देर से दरवाजा बंद है? वो बॉल मामूनी, मैं कपड़े चेंज कर रही थी।
दरवाजा अंदर से लॉक करने लगी है, इसका मतलब ये नहीं मैं तेरा झूठ नहीं पकड़ सकती। सुबह से तो कपड़े बदले नहीं है तूने, क्या कर रही थी? हाँ? नहीं माँ, खुद दरवाजा खोलने और बंद करने की आजादी क्या मिल गई? अब अपनी मामूनी से चीजें छुपाने लग गई है। ओपू, मैंने तेरे कमरे में से आवाज ही सुनी, क्या बात है? ये वही खरगोश है ना जिसके लिए तुम उस दिन रो रही थी? तुम्हारे पास कैसे आया? मामूनी, वो कल रात को जब मले आया था ना, तो वो लेकर आया था इसे, कह रहा था कि उसकी तरफ से गिफ्ट है। हम उन्हीं में आपको बताने ही वाली थी, पर मुझे लगा कि आप नाराज हो जाओगी और इसे मेरे कमरे में नहीं रहने दो। मामूनी प्लीज आप नाराज मत हो, प्लीज अमी सॉरी बोल ची। ये घाव कैसे लगा इसे? उछल कूद कर रहा था कमरे में, देखा चोट लगा ली ना, कितना घाव हो गया ये ना। हाथ नहीं लगाना इसका। क्यों? वो हाथ लगाने से इन्फेक्शन हो सकता है ना, इसे अब दवा की जरूरत है, नहीं तो यही रहो। जड़ी बूटी के पानी से जल्दी से नहा लेना, नहीं तो पार्टी के लिए लेट हो जाएंगे। पर मामूनी बनी, मैं संभाल लूंगी ना सोना। माँ, ये खरगोश मर गया है। ओपो, कल्पना तो मुझे डरा ही दिया। मैंने डरा दिया? या इस नन्हे से मासूम खरगोश ने? अब उसे हुआ है ना ये, इसलिए मैं तुझसे कह रही हूँ बेटा, एक बार फिर से सोच ले,
उसके आसपास एक छोटा सा जानवर भी जिंदा नहीं रह पाता और तू उसे इतनी भीड़ में ले जाना चाहती है। बस माँ, और एक तो कथा, मुझे जो करना है मैं वो करके रहूंगी। कल्पना, बस अब कुछ देर कल्पना, चाहे तुम उसे जितना भी गुस्सा कर, मैं तेरी माँ हूँ बेटा, मुझे हक है। बेटा तू सब कुछ देख कर भी अनदेखा कर रही है। कल रात वो लड़का, आज ये मासूम खरगोश, ये सब संकेत है कल्पना कि आपू को लेकर पार्टी में जाना सही नहीं होगा। कोई संकेत वंकेत नहीं है माँ, ये बस ओपू से एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ क्योंकि वो नहीं जानती थी। वो नहीं जानती है कि वो क्या है, यही ना? मगर तू तो जानती है, मैं तो जानती हूँ। कल्पना, मुझे बस इसी बात का डर है कि पार्टी में कहीं ओपू के साथ साथ सभी लोगों पर उसके राज ना खुल जाए। बेटा, तू क्यों ये खतरा मोल ले रही है? कैसा खतरा माँ? इतने सालों से मैंने जो सोच रखा है उसके मुकाबले ये छोटी मोटी कुर्बानियां मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। और जहां तक अपू की सच का सवाल है, 18 सालों तक मैंने वो सच छुपा कर रखा है। और आपको लगता है मैं ये सच इतनी आसानी से सबके सामने आने दूंगी? ना ना, पर माँ, मैं अब पीछे नहीं हटूंगी। खाना गर्म होना चाहिए, ऐसा ना हो कि पार्टी के एंड तक गेस्ट को ठंडी रोटियां सर्व हो रही। एंड रिमेंबर, ज्यादा तीखा नहीं होना चाहिए। And see to it कि कोई भी कमी ना रह जाए। No complaints. भाई मुझे ना तेरे इरादे ठीक नहीं लग रहे। क्या है इस बोतल में? इसमें होली का प्रसाद है। कीकुट प्रसाद होली का? देख, वो हमारी भूतबाड़ी वाली भूतनी होली खेलने तो आई नहीं, अब उसे होली का प्रसाद तो देना बनता है ना। और वैसे भी भांग पिए बिना भी कभी होली पूरी होती है क्या? मतलब अबे ट्यूबलाइट, ये स्पेशल भांग वाला जूस हमारी स्पेशल गेस्ट के लिए।
अब पार्टी के एंटरटेनमेंट की जिम्मेदारी भी तो हमारी है। सुबह डांट पड़ी थी वो काफी नहीं थी क्या तेरे लिए? तो फिर से सुसाइड मिशन पे जा रहा है तू? देख, बड़ों का काम होता है डांट और छोटों का काम होता है डांट खाकर डकार। मेरी ओवर कॉन्फिडेंस की दुकान, अगर वो नहीं आई तो? वैसे भी उसे आना होता ना तो सुबह ही आ जाती। देख ये सब मुझे नहीं पता, पर मेरा दिल कहता है कि वो आज शाम की पार्टी में जरूर आए और उसके आते ही वो सारे राज खुल जाएंगे जो उस कमरे में बंद। आज की इस पार्टी से मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली है। आज मित्तल्स की पार्टी में मुझे कोई नहीं रोक सकता मलय और ओपो को मिलाने से। आज की पार्टी में तो भूतनी की ग्रैंड ओपनिंग होकर रहेगी।